हाय दोस्तों, सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी। ये तो साउथ इंडियन स्टाइल की रेसिपी है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, नॉर्मल मेथड में नहीं। कुकर में बना रही हूँ ये बिरयानी। आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं रेसिपी में। यहाँ पे मैंने 2 कप कैमा राइस लिया है, 1/2 kg कैमा राइस, और इसको अच्छे से धोना है। पहले धोने के बाद इसको भिगो के रखना है 20 मिनट्स के लिए। अब 1/2 kg मटन लिया है मैंने, 1/2 kg राइस है हमारे पास, इसलिए 1/2 kg मटन। इसको अभी मैरिनेट करना है। 1.5 टेबल स्पून दही डाला है और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक भी डालना है, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके वो रखना है 30 मिनट्स के लिए। अब इसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज बारीक काटना है और टमाटर 2 मीडियम साइज़ के हैं दोनों। अब हमें बिरयानी मसाला तैयार करना है। उसके जो स्पाइसेस के डिटेल्स मैंने साइड पे दिए हैं, उसके मेजरमेंट्स भी दिए हैं। ये सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब कुकर को गरम करके 3 टेबलस्पून तेल डालना है और 2 टेबलस्पून घी डालना है। फिर डालना है प्याज। प्याज डालने के बाद 2 मिनट ऐसे सॉट करेंगे। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। वापस अब सॉट करेंगे हम सारे प्याज सॉफ्ट होने तक। अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसमें ऐड करना है हल्दी 1/4 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसको वापस मिक्स करेंगे। अब हमें बिरयानी मसाला ऐड करना है। पहले हमने रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा था, वही बिरयानी मसाला ऐड करना है। उसके बाद फिर मिक्स करेंगे हम। अब हरी मिर्च डालेंगे हम। मैंने यहाँ पे जलापेनो पेपर यूज़ किया है। टमाटर डालेंगे और पुदीना भी डालेंगे। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स है तो वो भी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। उसके बाद आप टमाटर सॉफ्ट होने तक ऐसे सॉर्ट करेंगे। अब इसमें डालना है मटन, जो मैरिनेट करके रखा हुआ था हमने पहले, वो डाल के 1 मिनट मिक्स करेंगे। और इसमें पानी डालना है। 2 कप राइस के लिए 3 कप पानी चाहिए। ये कैमा राइस का मेजरमेंट है। अगर बासमती राइस यूज़ कर रहे तो 2 कप राइस के लिए 4 कप पानी चाहिए होगा। अब इसको ढक्कन लगा के हम 5 विसिल का वेट करेंगे। अब अच्छे से मटन पक गया है। इसमें अब ऐड करना है पानी, जो 1 कप बचा हुआ था ना वो ऐड करना है। पानी का मेजरमेंट पक्का होना चाहिए। और राइस हमारा 20 मिनट्स भिगो के रखा था, और उसके बाद उसका पानी निकाल के बस राइस डालना है इसमें। फिर मिक्स करेंगे और अब नमक भी डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पुदीना डालेंगे, 1 लेमन का जूस, और घी 1 टेबलस्पून। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद उबाल आने का वेट करेंगे। हाई फ्लेम पर रख के उबाल आ गया तो उसको मीडियम फ्लेम पर करना है। उसके बाद ढक्कन लगा के 1 विसिल का वेट करना है। 1 विसिल आ गया तो ऐसे ही रखना है, ओपन नहीं करना है, 20 मिनट्स के लिए रखना है। फिर सारे प्रेशर निकल जाने के बाद कुकर ओपन करेंगे। अब देखिए अच्छे से कुक हो गया है हमारा जो बिरयानी, बहुत मस्त दिख रहा है ना। और देखिए चावल भी खिले खिले लग रहे हैं और बहुत मस्त टेस्ट है। आप सब लोग घर पे ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर लीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। चलिए चलते हैं, बाय बाय।